तो बच्चों अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सिंपल सिंपल, ए मुझे गिवन है, बी मुझे गिवन है, और फाइंड करना है 2a-3b। तो देखो 2, ए मैं लिख देता हूँ, ए है मेरे पे 2, 0, -3, 1, और बी मुझे गिवन है बच्चों, ये देखो 2a मैंने लिख दिया, 2a-3, और अब मैं बी लिख लेता हूँ, बी है 0, 1, -2 और 3, और डायरेक्ट डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, ये होगा माइनस का 6, 2 1 जा 2, बिल्कुल माइनस। अब मैं 3 से सबको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा -6, और 3 3 जा 9। तो बच्चों अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इससे इसको माइनस करना है। तो देखो मैं अब कर लेता हूँ इसको माइनस, 4 -0 कितना होता है, 4 -0 4, फिर 0 -3, देखो ये माइनस बाहर है तो ब्रैक जब खुलेगा तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, राइट। फिर हो जाएगा -6 माइनस, और फिर -6, तो ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, -6 और फिर माइनस था, और फिर पहले से ये अंदर -6 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 6 0, तो ये हो जाएगा 0 बच्चों। अब यहाँ पे करते हैं 2 -9, 2 - 9 कितना होगा बच्चों, -7, और ये हमारा आंसर नंबर 2 भी आ गया। काफ़ी ईजी था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।